स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारी दो क्लास में जो हमने पॉइंट लिए थे सारे पूरे हो चुके हैं। अब हम आगे अपनी क्लास तीसरी क्लास को बढ़ाते हैं, जिसमें हमने पॉइंट लिए हैं। हमने हिंदी से उत्तर प्रदेश की बोलियाँ और विराम चिन्ह लिया है। रीजनिंग में घड़ी और रक्त संबंधी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने जो गणित में इस बार रखा है क्षेत्रमिति, जिसमें हम समतल और ठोस आकृति के बारे में बताएंगे। और हमने सामान्य अध्ययन में इस बार कंप्यूटर को टारगेट किया है। इसके बाद जो साइंस में हमने अकार्बनिक रसायन को रखा है, क्योंकि हमने भौतिक विज्ञान से दो पॉइंट पूरे करा चुके हैं, इसलिए अब चाहते हैं कि रसायन विज्ञान से भी दो पॉइंट हम पूरे करा दें। अब हम अपनी हिंदी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सब उत्तर प्रदेश की बोलियों के बारे में। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश PCS के नज़रिए से भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बोली और भाषा क्या होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, जो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वो बोली होता है, और क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप जो होता है वो उपभाषा होता है। ये पूछा तो नहीं जाता, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं हिंदी बोलियाँ। देखिए, हिंदी बोलियाँ को पाँच भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं वो? सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के बाद उसको बांटा गया है आपका बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के बाद पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी के बाद राजस्थानी हिंदी। तो कौन कौन सी हिंदी है जिसमें इसको बांटा गया है हिंदी बोलियों को? सबसे पहले हमने बांटा है इसको पश्चिमी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी के बाद पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के बाद इसको बांटा बिहारी हिंदी में, और बिहारी हिंदी के बाद पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी के बाद राजस्थानी हिंदी। ये तो बात हुई कि हिंदी की बोलियों को कौन कौन, मतलब हिंदी को कौन कौन सी भाषाओं में बांटा गया है। अब बात करते हैं कि ये जो हमारी पश्चिमी हिंदी है, या बिहारी हिंदी है, या हमारी पहाड़ी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, इसमें भी कुछ भाषाएं हैं। तो उन भाषाओं के बारे में जानते हैं कि जो हमारी पश्चिमी हिंदी है उसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो उसमें जो भाषाएं हैं, उसमें हमारे जो पश्चिमी हिंदी में जो आती हैं वो खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद ब्रज भाषा, ब्रज भाषा के बाद कन्नौजी भाषा, कन्नौजी भाषा के बाद हम बात करते हैं बांगरू या हरियाणवी भाषा, और हरियाणवी भाषा के बाद बात करते हैं हम ब्रज भाषा। कौन कौन सी भाषाएं आती हैं इसमें? पांच भाषाएं आती हैं। सबसे पहले खड़ी बोली आती है, जिसको हम कौरवी भी भाषा बोलते हैं। उसके बाद ब्रज भाषा आती है, उसके बाद इसमें जो आती है हमारी बुंदेली आती है, और बुंदेली के बाद बांगरू, और बांगरू के बाद कन्नौजी। समझ में आया कि पश्चिमी हिंदी है जो कि सौर सैनी अपभ्रंश से बनी हुई है, और इसमें पांच हिंदी वो भाषाएं आती हैं, खड़ी, ब्रज, बुंदेली, बांगरू और कन्नौजी। अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी। जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा से निकली है। कौन सी भाषा से निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा से निकली है, जिसमें जो भाषाएं आती हैं वो आती हैं बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी। कौन कौन सी भाषाएं आती हैं पूर्वी हिंदी में? अवधी भाषा, बघेली भाषा और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद देखते हैं बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं। तो बिहारी हिंदी जो है वो मागधी अपभ्रंश से निकली है, तो इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी आती हैं। इसके बाद देखते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी भी सौर सैनी अपभ्रंश से ही है, और जो इसमें भाषाएं आती हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें बोली जाती हैं गढ़वाली, कुमायूनी, जो ऐसी भाषाएं हैं वो आती हैं पहाड़ी हिंदी में। और राजस्थानी हिंदी में जो निकली है वो भी निकली है सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है, और इसमें जो भाषाएं आती हैं वो आती हैं निमाड़ी, मारवाड़ी, भीली और मालवी। ये तो हुई इन बारे में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। अब एग्जाम में इनमें से प्रश्न कैसे पुट अप किया जाता है? आपसे पूछा जाएगा, आपको दो तीन भाषाएं दी जाएंगी, जैसे अवधी, बघेली, कन्नौजी, और आपसे पूछा जाएगा इसमें पश्चिमी हिंदी कौन सी है। जैसा कि हम जानते हैं पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है, हमने हमको पता है खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है, उसके बाद हरियाणवी भाषा आती है, उसके बाद उसमें बुंदेली भाषा आती है, तो हम पता कर सकते हैं। अब जैसे पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो पूर्वी हिंदी में कौन सी? अवधी आती है, अवधी के बाद उसमें बघेली आती है, बघेली के बाद छत्तीसगढ़ी आती है। और बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती है? बिहारी हिंदी मगही आती है, मैथिली आती है और भोजपुरी आती है। तो हम पुट ऑफ कर लेंगे कि कौन सी भाषा में कौन सी भाषा आती है। अब ये बात हुई इनके अंदर कौन सी भाषा है। सबसे पहले जाना, हिंदी बोलियों में पांच भागों में डिवाइड किया गया है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और फिर हमने देखा कि जो ये हिंदियों में डिवाइड किया गया है उनको भी कौन कौन सी भाषा उनके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद इनकी पहचान करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? वो आती हैं खड़ी बोली। वैसे हम जानते हैं कि खड़ी बोली में सबसे ज़्यादा जो विकास किया है
वो अमीर खुसरो ने दिया है, अपना योगदान सर्वाधिक दिया है अमीर खुसरो ने। तो खड़ी बोली आती है, खड़ी बोली के बाद ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के बाद बुंदेली भाषा, और बुंदेली भाषा के बाद कन्नौजी भाषा, और कन्नौजी भाषा के बाद आती है आपकी बांग्ला या हरियाणवी भाषा। अब इनमें भी हम कैसे पहचान करेंगे कि ये जो भाषा है वो खड़ी बोली की है या वो भाषा ब्रज बोली की है? तो सबसे पहले बात करते हैं खड़ी बोली की। तो जो खड़ी बोली है वो कैसे पहचानी जाती है? जैसे हम लोग बड़ा ए और बड़ा ओ बोलते हैं, तो जो खड़ी बोली में उसको बोला जाएगा छोटा ए और छोटा ओ बोला जाए। जैसे हम बोलते हैं और, तो इसमें बोला जाएगा और, समझ में आया? और इसमें खड़ी बोली की एक और पहचान होती है, इसमें ने का जो उच्चारण होता है ळ के रूप में होता है। जैसे हम कहते हैं हमें जाना है, तो उसको खड़ी बोली जाना है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि खड़ी बोली में कौन कौन सी विशेषता है। सबसे पहले हमने जाना बड़ा ए और बड़ा ओ को छोटा ए और छोटा ओ के रूप में बोला जाता है। दूसरा हमने जाना कि इसमें जो ने का उच्चारण होता है ळ के रूप में होता है। और हाँ, जो आपका ड़ और ढ़ ढक्कन का जो खड़ी बोली में होता है वो ळ और ढ़ में होता है। समझ में आया कि किस किस में इसका उच्चारण होता है? अब बात करते हैं कि खड़ी बोली कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। जैसा कि मैंने जब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में नक्शे में पढ़ाया था, जो बेल्ट आपकी शुरू होती है मेरठ से, मेरठ के बाद सहारनपुर जाती है, सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से बिजनौर, और बिजनौर से सीधा आते हैं हम रामपुर, रामपुर के बाद मुरादाबाद। जो ये बेल्ट जो है, मतलब आपकी लेते हैं मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, और उसके बाद रामपुर और मुरादाबाद, इस सभी एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? खड़ी भाषा बोली जाती है। तो हमने खड़ी भाषा के बारे में जाना कि ये खड़ी भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के भाग है, जो ने का ळ में उच्चारण होता है, बड़े ए का बड़े ओ का छोटे ए और छोटे ओ में उच्चारण होता है। और उसके बाद जाना कि कौन कौन से क्षेत्र में ये बोली जाती है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट है पश्चिमी हिंदी के पे, जो कि इसका नाम है ब्रजभाषा। देखिए, ब्रज भाषा की भी एक अलग पहचान होती है। ब्रज भाषा में जो तीन प्रकार के श होते हैं, श, श और स, इन तीनों का उच्चारण स में होता है। किस में होता है? स में होता है। और इसमें जो हम र बोलते हैं, र ऋषि वाला, तो इसमें री का उसका उच्चारण किस में करते हैं? री में करते हैं। किस में करते हैं? री। समझ में आया? उसके बाद देखिए, इसमें जो मैं और ळ, जो मैं और ळ होता है, ळ के स्थान पर ने का प्रयोग होता है। जैसे हम बोलते हैं प्रवीण, तो उसका जो ब्रज भाषा में उच्चारण होगा प्रवीण, तो ळ को ने में बदल देते हैं, वहाँ ब्रज भाषा आ जाता है। और इसमें कुछ बदलाव है, जैसे इसमें आपका ड़, ड़ और ल, इन सभी का उच्चारण किस में होता है? ळ में होता है। जैसे हम बोल देते हैं, सुना होगा आपने ब्रज भाषा, ब्रज क्षेत्र में, कि जैसे जैसे हम बोलते हैं चावल, चावल होता है, तो उसको बहुत लोग बोलते हैं चामर, तो उसमें जो व है उसका मै में हो जाता है, और जो ल है उसका ळ में उच्चारण हो जाता है। तो वो कौन सी भाषा पहचान होती है? ब्रज भाषा की। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ब्रज भाषा बोली कहाँ जाती है। तो ब्रज भाषा जो बोली जाती है मथुरा, जो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, और ये जो सारा क्षेत्र है, इस समय कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। तो हमने जाना पहले खड़ी बोली के बारे में, अब ब्रज भाषा के बारे में। अब जानते हैं इसी पश्चिमी हिंदी के तीसरी प्रकार की जो भाषा बोली जाती है, जिसका नाम है बुंदेली। देखिए, बुंदेली से सीधा निकला बुंदेलखंड, इसका मतलब मैं सीधा पहचान लिया, जो भाषा बुंदेलखंड एरिया के आसपास बोली जाती है वही बुंदेली कहलाती है। और बुंदेली भाषा की सबसे बड़ी पहचान क्या है? जो पट्टी हमारी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मिली, मतलब जो पट्टी उत्तर प्रदेश से मिली हुई है, वहां पे ही ये भाषा बोली जाती है बुंदेली। अब इसकी पहचान कैसे होती है ये देखिए, जो इसमें वर्ड होते हैं ये, जे, मैं और वह के स्थान पर हम बे का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे हम बोलेंगे यदि, अगर यदि को हमें किसमें बोलना है? बुंदेली में, तो बोला जाएगा यदि। जैसे हम बोले यदि ये काम हो जाता, तो बोलेंगे यदि ये काम हो जाता। समझ में आया? जैसे हम बोलते हैं कि हमारा, इसमें हर वर्ड पे ओ लगाने की इनको एक हैबिट होती है। जैसे हमने बोला हमारो, तो ये बोलते हैं हमायो। जैसे बोले जैसे हमें हमारो, तो ये रो के स्थान पर ओ लगा देते हैं, हमाओ। इस तरीके की जो वर्डिंग बोली जाती है वो बोली जाती है बुंदेली भाषा में। और मैंने आपको बताया था जो एरिया आपका मध्य प्रदेश से मिलता है वहाँ पे ये बुंदेली भाषा बोली जाती है, जो कि जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर, ये जो क्षेत्र है इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेली भाषा बोली जाती है। हमने बुंदेली भाषा के बारे में भी जाना, क्या जाना कि इसमें जो रो के स्थान पर ओ का उच्चारण होता है, और ये, जे, मैं, बे के स्थान पर बे का उच्चारण होता है, और ये झांसी, जालौन और इसके क्षेत्र में बोली जाती है।
अब बात करते हैं कन्नौजी भाषा के बारे में। कन्नौजी भाषा को एक तरीके से ब्रज भाषा का भी रूप बोला जाता है। कन्नौजी भाषा की जो पहचान होती है इसमें भी यही है, इसमें भी जो बड़ा ए और बड़ा ओ है उसको भी छोटा ए और छोटा ओ बोला जाता है। पहली पहचान इसकी विशेषता है। और दूसरी विशेषता इसकी क्या है, जैसे ये लोग क्या करते हैं प्रत्येक स्थान पर ओ लगा के बोलते हैं, जैसे हमारा तो ये बोलेंगे हमाओ, जैसे हमने बोला हमारा तो ये बोले हमाओ, जैसे हम बोलते हैं तुम्हारा ये बोलते हैं तुमाओ। तो इस तरीके की जो लैंग्वेज आती है वो कौन सी आती है, कन्नौजी भाषा में आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कन्नौजी भाषा बोली कहाँ जाती है, देखिए इसका मुख्य जो क्षेत्र है वो है फर्रुखाबाद। अब फर्रुखाबाद वाले स्थान पर कौन कौन से जिले आते हैं, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, उसके अलावा इटावा, कानपुर और हरदोई। कौन कौन से में बोली जाती है कन्नौजी भाषा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, कानपुर, इस सब क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नौजी। सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें ओ का उच्चारण ज़्यादा करते हैं, जैसे हमारा हमाओ, तुम्हारा तुमाओ। तो जिस तरीके की जो भाषा आती है अगर विशेषता पूछी जाती है तो आप बता सकते हैं कि ये विशेषता किसकी है, कन्नौजी भाषा की है। अब इसके पश्चिमी हिंदी के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, लास्ट भाषा पे आते हैं, बांगरू या हरियाणवी भाषा। तो इस हरियाणवी भाषा की भी यही पहचान होती है, इसकी भी वही पहचान है जो ने का उच्चारण होता है ळ के रूप में होता है, जैसे जाना जाना, खाना खाना। तो इस तरीके का जो उच्चारण होता है वो भी हरियाणवी भाषा में होता है। और इसकी एक और पहचान होती है, इसमें क्या करते हैं ध्वनि लोप कर देते हैं। ध्वनि लोप का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं अंगूठा तो ये बोलते हैं गूठा, ए को लोप कर देते हैं। जैसे बोलते हैं हम बोलते हैं 31 ये बोलते हैं 31। तो जो ये वर्णों का ध्वनि का लोप हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ हो जाता है आपका हरियाणवी भाषा। और ये बोली कहाँ कहाँ जाती है, ये बोली जाती है हरियाणा, हरियाणा के जो पास जो दिल्ली देहात क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। तो ये हमने जाना बांगरू लैंग्वेज के बारे में, इसकी विशेषता जानी, उसके बाद कन्नौजी के बारे में जाना, उसकी विशेषता जानी, फिर हमने इसके बुंदेली भाषा के बारे में जाना। अब इससे बात होती है पेपर में पूछा कैसे जाता है, तो पेपर में आपको देगा या तो विशेषता देगा कि ळ ने पे स्थान पे या ए ओ के स्थान पे इस तरीके वर्डिंग हो कौन सी भाषा बोली जाएगी, या इस तरीके की देगा कि कौन सी भाषा इसमें से पश्चिमी हिंदी की नहीं है, कौन सी भाषा इसमें पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो इसी के साथ हमारी पश्चिमी हिंदी की बात खत्म होती है। अब बात करते हैं हम, तो जैसे हमने अभी पश्चिमी हिंदी के बारे में जाना, अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सबसे ज़्यादा जानकारी जो होनी चाहिए वो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, क्योंकि जो आपकी पहाड़ी हिंदी है और राजस्थानी हिंदी है ये सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र से और राजस्थानी क्षेत्र से बिलोंग करती है, लेकिन ये एक हमारी जो हिंदी बोलियाँ हैं उसके अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसके बारे में भी जानना ज़रूरी था। तो अब देखते हैं हम पूर्वी हिंदी के बारे में। जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि जो पूर्वी हिंदी है उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, वैसे याद रखते हैं ए बी सी भी याद रख सकते हैं, ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी भाषा इसके अंतर्गत आती है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि अवधी लैंग्वेज बोली कहाँ जाती है, तो ये अवधी जो लैंग्वेज है, वैसे अवध जैसे उत्तर प्रदेश का पहला अवध था, तो अवध कहाँ था आसपास, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र जो था अवध कहलाता था। तो इसी प्रकार जो अवधी लैंग्वेज बोली जाती है वो भी फतेह, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, सीतापुर, उसके साथ साथ आपका फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़ आदि जी ये जो ज़िले हैं उन सब में बोली जाती है आपकी बघेली, मतलब अवधी हिंदी बोली जाती है। अवधी हिंदी के बाद आते हैं बघेली। बघेली जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की लैंग्वेज है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी कुछ ज़िलों में ये बोली जाती है, जो कि ये जैसे फतेहपुर, हमीरपुर। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये अवधी है और ये बघेली है, तो इसको पहचानना बहुत ईजी है। जो अवधी जो भाषा है उसमें यह और वह को ए बोला जाता है, जैसे आपसे बोला किसने करिए, आपने बोला करिए, तो इसमें बोलता है करिए, ए को ए के रूप में उच्चारण किया जाता है, या र को न में और य को ज में और बै व को बै में उच्चारण किया जाता है। प्राण को प्राण, अगर आपसे बोला इसको अवधि में क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे प्राण। अगर आपसे बोला किसने यज्ञ, तो उसको बोलेंगे जग। तो इसी प्रकार का जो उच्चारण होता है वो अवधि में होता है। और हाँ, इसमें जो ल का उच्चारण होता है वो र के रूप में होता है, जैसे फल, तो फल को बोला जाएगा फर। समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं बघेली। बघेली में भी यही होता है, जो वह होता है उसका उच्चारण वह में होता है, लेकिन इसकी पहचान होती है
ऊ ओ और ई का जो उच्चारण होता है इसमें या और वा के रूप में होता है। जैसे हमसे हमने एक वर्ड लिया खेत, अगर खेत को हम बोलेंगे बघेली में तो बघेली लैंग्वेज में ये जो बोलेगा खेत को बोलेगा ख्यात, तो या एक ही स्थान पे क्या जाएगा या आ जाता है, तो वहाँ पे कौन सी हो जाती है बघेली। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के बारे में। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें ए और ओ का जो उच्चारण होता है वो हो जाता है आई और औ के रूप में। जैसे हमने बोला बैल, तो जो इसको छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला जाएगा वो बैल, और इसमें जैसे स के स्थान पर छ हो जाता है, जैसे किसी का नाम सतवीर है तो उसका नाम हो जाएगा छतवीर। तो इस तरीके के जो उच्चारण होते हैं वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के में होते हैं। इसके बाद बात करते हैं बिहारी लैंग्वेज की, जो कि हम जानते हैं कि बिहारी लैंग्वेज में भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो हमारे यूपी में बोली जाती है भोजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि बिहार से जो जिले लगे हुए हैं या उसके आसपास हैं उनमें सब में क्या बोली जाती है आपकी भोजपुरी। जैसे बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, इन सभी जिलों में जो बोली जाती है वो आपकी भोजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है, और मैथिली और मगही बिहार में बोली जाती है। उसके बाद बचती है आपकी पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इससे पहाड़ी और राजस्थान में बोली जाती है। अब बात आती है कि इसे क्वेश्चन कैसे पुट ऑफ किए जाते हैं, तो क्वेश्चन जो इससे पूछे जाएंगे आपको चार पांच भाषा दे देगा वो, कि अवधि, बघेली कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, आप पहचान सकते हो, या इस तरीके से दे देगा कि बिजनौर में कौन सी भाषा बोली जाती है, आपको ऑप्शन दे देगा कि अवधि बोली जाती है या खड़ी बोली बोली जाती है या कन्नौजी बोली बोली जाती है। आप पहचान सकते हैं कि मैंने पहले बताया था पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर और जो मुरादाबाद तक का जो क्षेत्र था उसमें खड़ी बोली बोली जाती थी। उसके बाद मैंने कन्नौज के बारे में बताया, जो कानपुर का जो क्षेत्र है और जो आपका फर्रुखाबाद है वहाँ कन्नौजी लैंग्वेज बोली जाती है। इस तरीके से आप क्वेश्चन इसमें से निकाल सकते हैं। ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की बोलियों के बारे में, अब बात करते हैं हम इसके विराम चिन्ह के बारे में। जो अब बात करते हैं विराम चिन्ह की, विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव। इससे एग्जाम में यूपी ट्रिपल एसएससी के में एक क्वेश्चन जरूर आता है जो पूछा जाता है, आपको कोई साइन दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको ये साइन दे दिया या ये साइन दे दिया बना के, या उसने इस तरीके से दे दिया, मतलब कोई भी साइन आपको देगा, आपको पूछेगा कि कौन सा विराम चिन्ह है। तो हम कुछ बनाते हैं और पहचान करते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह हैं ये। सबसे पहले हम जानते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कौन सा होता है, इस तरीके से जो बनता है पूर्ण विराम होता है जो किसी वाक्य के पूर्ण होने पर लगाया जाता है। अल्प विराम जो होता है वो इस तरीके से होता है जो थोड़े से समय के ठहराव के लिए होता है, उसको अल्प विराम कहते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न विराम। प्रश्न विराम ये होता है जो जैसे कौ जिसमें क्या कब कैसे आदि वर्ड आ जाते हैं उसमें जो लगाया जाता है वो प्रश्न सूचक विराम लगाया जाता है। अब बात करते हैं विस्मय विराम की, ये क्या होता है जो आश्चर्यचकित या इस तरीके की हर्ष, उल्लास जैसे जो शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पे लगता है विस्मय विराम। वही कौन सा होता है, इस तरीके का साइन होता है, ये कहलाता है आपका विस्मय विराम। उसके बाद बात करते हैं हम त्रुटि विराम की। जैसे सपोज करो आपने लिखा हमारा महान है, लेकिन आप भूल गए लिखना, तो इसको यहाँ पे आप लिखते हैं हमारा भारत महान है। तो इस तरीके की त्रुटि को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा साइन लगाया जाता है, इस तरीके का साइन लगाया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक क्या होता है, जैसे आपने लिखा सहारनपुर और ये तुमको कई बार लिखना है, तो इस तरीके से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। इस तरीके का जो साइन होता है वो कहलाता है आपका पुनरुक्ति सूचक। उसके बाद बात करते हैं हम विवरण चिन्ह की। विवरण चिन्ह होता है जिसमें आपको कोई किसी बारे में जानकारी देनी हो, तो इस तरीके से ये कहलाता है आपका विवरण चिन्ह। और इसी तरीके के कुछ चिन्ह हैं, जैसे इन्हीं में से पी एग्जाम पूछ लेगा, या तो पूर्ण विराम बना के देगा, अर्ध विराम। अर्ध विराम का जो चिन्ह बनता है वो इस तरीके से बनता है, प्रश्न विराम, विस्मय विराम, अपूर्ण विराम, योजक, अवतरण। अवतरण का क्या होता है, जैसे कि आप कोई जैसे कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई बात किसी से कहते हैं, तो किसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको अलग से एक साइन दे दिया जाता है कि ये बात कही गई है, तो वहाँ पे कौन सा लगाया जाता है, अवतरण विराम लगाया जाता है, या उद्धरण भी चिन्ह भी कहते हैं इसको।
और लोप विराम वो होता है जिसमें बात आपने लिखी और इस तरीके से, इसका मतलब होता है कुछ इसमें अंश लुप्त है, मतलब कुछ अंश इसमें छुपे हुए हैं या छोड़ दिए गए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है लोप विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो इन्हीं में से एक आध क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है जो UP SSSC में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ हमारी क्लास थर्ड का जो पहला चैप्टर था जिसमें हमने उत्तर प्रदेश की बोलियाँ और जो विराम चिन्ह के बारे में जानकारी ली, जो अब समाप्त होता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और तुमको इस समझ में आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।